संविधान को बचाने की आवश्यकता, उसकी रक्षा करने की जरूरत है। रामलीला मैदान से राहुल गांधी जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से और हम लोगों से आह्वान किया था कि देश का संविधान खतरे में है और देश के संविधान की रक्षा करनी है। और आज किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, किस तरीके से पिछले 8 सालों में खतरे में है, उन लोगों के साथ में हमको संपर्क करना है जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की क्या इम्पोर्टेंस है इस देश में। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। मेरे साथ खास मेहमान है राजेश लिलोटिया। हम लोग पेरियार की धरती चेन्नई में हैं। बाबा साहब और पेरियार साहब के बीच संविधान को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी दौरान एससी डिपार्टमेंट, जो कांग्रेस का जो एससी डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है राजेश लिलोटिया, इन लोगों ने देश भर में संविधान यात्रा की शुरुआत चेन्नई से शुरू की है। कल उसका पहला दिन होगा, उनसे समझेंगे कि क्या है पूरा और क्यों आप लोगों को संविधान यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है, क्या सचमुच संविधान खतरे में है। लोटिया जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चेन्नई से ही क्यों शुरू कर रहे हैं आप लोग संविधान यात्रा? राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसकी शुरुआत पेरियार की भूमि तमिलनाडु से हुई थी, कन्याकुमारी से, और वहां से शुरुआत जो हुई थी, हमने ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आरजीपीआरएस केकेसी फिशरमैन और किसान कांग्रेस, जो 8 हमारे अग्रिम संगठन हैं, सभी लोगों ने जॉइंटली एक फॉलो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, प्लान किया है विद द एंडोर्समेंट ऑफ द सीनियर लीडरशिप। नाउ दिस प्रोग्राम इज बेसिकली टू आउटरीच टू द पीपल, उन लोगों के साथ में हमको संपर्क करना है जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की क्या इम्पोर्टेंस है इस देश में, और आज किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, किस तरीके से पिछले 8 सालों में खतरे में है। आज उसको संविधान को बचाने की आवश्यकता, उसकी रक्षा करने की जरूरत है। रामलीला मैदान से राहुल गांधी जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से और हम लोगों से आह्वान किया था कि देश का संविधान खतरे में है और देश के संविधान की रक्षा करनी है। तो संविधान बचाओ मार्च हम लोग निकाल रहे हैं एज अ फॉलो अप प्रोग्राम, और 75 किलोमीटर हम लोग ने रूट तय किया है, जिसमें से हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जो हमारे आइकॉन्स हैं, उन लोगों की जो मेमोरियल हैं, वहाँ से पास करते हुए गांवों से निकलते हुए हम लोग दिन में 2 लेग्स के अंदर इसको करेंगे। एक मॉर्निंग सेशन होगा, फिर हॉल्ट होगा, आफ्टरनून में लंच ब्रेक होगा, फिर उसके बाद में सेकेंड हाफ में 4 बजे से हम लोग, जब तक वो 75 हमारा कार्यक्रम जो तय है वो पूरा नहीं हो जाता, उसको चालू रखेंगे। तो क्या ये सिर्फ तमिलनाडु में होगा या देश के कई राज्यों में ये कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? अभी फिलहाल जो 14 स्टेट्स हैं जो राहुल गांधी जी जहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बाद में हम लोग केरला मूव करेंगे संविधान बचाओ मार्च के लेकर, और वहाँ पे भी 75 किलोमीटर ऐसी हम लोग मार्च करेंगे। एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, 75 किलोमीटर इसलिए रखा है, 75वां साल है आजादी का, इसलिए उसका एक सिंबॉलिक है कि हमने उसको इस तरीके से प्लान किया है। और जिस तरीके से अभी लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, अभी देखिए आप ही के इस पे जय भीम जय भारत करके लोग कमेंट्स डालना शुरू कर दिए, तो ये एक रिस्पांस है, एक पॉजिटिव रिस्पांस है, और लोग चाहते हैं कि संविधान की रक्षा करनी जरूरत है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया, 3500 किलोमीटर बाय फुट चलना कोई आसान नहीं है। मैं भी पिछले तमिलनाडु जब कन्याकुमारी से शुरू किया था, मैं उनके साथ में 100 किलोमीटर साथ रहा, तो मुझे मालूम चला कि वो इतना आसान सफर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी ने इसको ये मान करके, मेरे लिए तपस्या है और ये बहुत जरूरी है आज के हम लोगों से जनसंपर्क करें, क्योंकि लोगों की आवाज ये सरकार सुनना नहीं चाहती है। लोगों की आवाज को घोटने का काम, बंद करने का काम, विपक्ष की आवाज को बंद करने का काम ये सरकार, जो आरएसएस बीजेपी के विचारधारा है, ये लोग कर रहे हैं।
तो पूरी तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो संविधान का हमारा फंडामेंटल राइट है, उसी को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो जितनी भी लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनका समर्थन हमारे साथ में आ रहा है। तमिलनाडु में जब हम लोगों ने शुरू किया तो यहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने आकर इनॉग्रेशन में राहुल गांधी जी के साथ में खड़े होकर उसका इनॉग्रेट किया। तो इसी तरीके से हर प्रदेश के अंदर हम लोगों को जो रीजनल पार्टीज हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करती हैं, जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, बुलडोजर की राजनीति करते हैं, उनके विरोध में जो लोग पूरी तरीके से इकट्ठा हैं वो लोग कल के कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी की सहमति है या सिर्फ ये शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के जिम्मे छोड़ दिया गया कि राजेश लोटिया चेयरमैन है वही मैनेज करे, या पार्टी का भी सहयोग मिल रहा है आपको पूरा टॉप लीडरशिप? मैं बताता हूँ, ये बगैर कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल है। वॉट एवर प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज दैट इज विद देन एंडोर्समेंट एंड अप्रूवल ऑफ द हाई कमांड। एंड AICC की जो सीनियर लीडरशिप है, जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पूरी तरीके से उसकी प्लानिंग में है, दिग्विजय सिंह जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, और पूरी टीम के राजू जी हैं, तो ये सब लोगों के साथ में बैठ के मंथन हुआ और उसके बाद में ये तय किया गया कि संविधान बचाओ मार्च विल बी अ फॉलो अप प्रोग्राम ऑफ भारत जोड़ो। या कल कौन कौन लोग और इसमें शामिल हो रहे हैं आपके दिल्ली से? देखिए, दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं और स्पेशली वो एक ब्रेक लेकर भारत जोड़ो यात्रा से संविधान बचाओ मार्च के लिए आ रहे हैं। चिदंबरम साहब आ रहे हैं और सलमान खुर्शीद साहब आ रहे हैं और जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी और RGPRS जितने भी हमारे संगठन हैं सबके जो चेयरमैन है वो चेन्नई में कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है, KCC का जो दफ्तर है, PCC का जो आपका जो राज्य का दफ्तर है, वही जो शुरुआत होगी? हाँ, उसकी शुरुआत वहां से कर रहे हैं हम लोग। एंड देन हम लोग उसका मार्च पेरियार मेमोरियल से निकालते हुए और जो इसकी एंडिंग है वो राजीव गांधी जी के मेमोरियल पर जाकर श्री परमदूर में हम लोग उसका समापन करेंगे। यहाँ पेरियार के मेमोरियल से शुरू करेंगे चेन्नई में? नहीं, अभी PCC से हो रहा है। PCC से शुरू कर हम लोग रास्ता पेरियार साहब की मेमोरियल से निकल कर जाएंगे और जब रास्ते में कहीं पर भी हमारे जो आइकॉन्स है उनके मेमोरियल आते हैं तो वहां पर हम लोग वहां से पास करते हुए वहां पर अपने ट्रिब्यूट्स देते हुए और लोगों से बेसिकली ये प्रोग्राम एक सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, मतलब वो सिर्फ दिखावा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है और वो सोच सिर्फ वही लोग ला सकते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है, जिनको मालूम है कि डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं, जिनको मालूम है संविधान का महत्व क्या है। और वो आज जब खुद देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप जिन्होंने कुर्बानी दी देश को आजाद कराने में, इस संविधान को लागू करवाने में और इस देश का निर्माण करने में, जब देश के अंदर हमारे पास में खाने को भी पूरा अनाज नहीं था, उस टाइम से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और IT क्रांति, जितने भी बड़े बड़े जो उपकरण बनाए गए वो सब कांग्रेस पार्टी के टेन्योर के अंदर हुए। आज जिनको पूरी तरीके से बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है और कुछ ही उद्योगपति लोगों के हाथ में उसको सौंपा जा रहा है। तो आप लोग उत्साहित हैं, मतलब राहुल गांधी का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है रोड जो पदयात्रा से, तो अब कांग्रेस को लग गया है कि अब उसका वनवास खत्म होगा, 10 साल सत्ता से आप लोग दूर हैं और इसमें खासकर जो SC ST OBC के जो लीडर है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ा दी गई, तो मतलब कांग्रेस फिर से जो उसकी बहुसंख्यक वोट बैंक था उसकी तरफ लौटना चाह रही? जी देखिए, कहीं कुछ अगर अभी जैसा आपने बोला हम लोग सत्ता में थे, लेकिन ये सत्ता का मकसद नहीं है यहाँ पर कि हम सत्ता हासिल करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त में देश के अंदर जरूरत है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और राहुल गांधी जी वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब लोगों से संपर्क कर रहे हैं तो उनकी वेदना पता चल रही है, उनकी समस्याएं पता चल रही हैं, क्योंकि सीधा हम विलेज लेवल के ऊपर जाके लोगों से मिल रहे हैं। दिस इज आवर आउटरीच प्रोग्राम और उस आवाज के बाद एक पूरा एक प्रारूप किया जाएगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा कि लोगों की के 2024 के लिए, 2024 के लिए क्या आने वाले भविष्य के लिए। जाहिर सी बात है हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है तो हम इस बात को डिनाय नहीं कर सकते कि ऑफ कोर्स इलेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो। सो नाउ वी आर इन ऑपोजिशन, सो एज अ ऑपोजिशन इट इज आवर ड्यूटी
कि हम लोग ऑपोजिशन का रोल अदा करें, और सरकार में जब थे जो हमने काम किए थे, जो उपलब्धियां हासिल की थी, वो सब धूमिल कर दी गई हैं पिछले 8 साल में। तो दोबारा से हम चाहते हैं कि लोगों की बात सुन के देश को कैसे बचाया जाए, देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, उसके लिए कल शुरुआत होगी। तो सोचिए, कांग्रेस जो है वो संविधान बचाओ रैली निकाल रही है, और तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको भी समझना चाहिए। खैर, कांग्रेस ने जिम्मेदारी राजेश लिलोटिया को दी है, SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और यूथ कांग्रेस से निकले हैं, लंबे समय से कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में से की तरफ से विधायक MLA रहे हैं, बिहार के प्रभारी भी थे। नीतीश कुमार और राहुल गांधी की भी बातचीत कई बार हो चुकी है, अभी लालू यादव नीतीश कुमार सोनिया गांधी की मुलाकात भी होने वाली है। तो लबोलू अभी है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से तय कर लिया है कि वो सड़कों पर आएगी, और जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, अब कांग्रेस के जो SC डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन राजेश लिलोटिया, वो संविधान बचाओ यात्रा 14 राज्यों में निकालने वाले हैं। तो कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता तेज कर दी है, बढ़ा दी है। हम आपको कल दिखाएंगे कि किस तरह का रिस्पांस जो है वो इस यात्रा को मिलता है, लेकिन सबसे खास बात है कि ये पेरियार की धरती से शुरू हो रहा है, और अम्बेडकर, पेरियार, फूले, इनकी विचारधारा बहुत फर्टाइल लैंड है, खासकर तमिलनाडु, बहुजन और बहुजन के लिहाज से, पेरियार साहब के लिहाज से, और 69% रिजर्वेशन भी है यहाँ। तो काफी कुछ दिखाने के लिए रहेगा, कल आपको दिखाएंगे, चाहे पेरियार की धरती हो और संविधान को लेकर जो कांग्रेस की ये यात्रा होने वाली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े उन सब लोग का शुक्रिया, और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप पेज नहीं देखते हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।